हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयात कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन्स। जो कल हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, उसके अंदर एक ऑर्गन्स था किडनी। तो आज हम किडनी के अंदर होते हैं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। तो आज हम नेफ्रॉन्स पढ़ने वाले हैं। ये सीबीएसई बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक है। मतलब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में हर साल पूछता ही पूछता है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। चलो आज हम नेफ्रॉन्स को विद डायग्राम के साथ बहुत इजी वे में समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट के अंदर हम इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये नेफ्रॉन्स का क्या है, डायग्राम है, और एक किडनी के अंदर कम से कम मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। देखिए यहां से क्या हुआ, ब्लड आया, ब्लड की सप्लाई हुई, और ये जो स्ट्रक्चर है कैप्सूल टाइप, इसे हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसे हम, बोमेन कैप्सूल्स। और बोमेल कैप्सूल के अंदर क्या है, ये ग्लोमेरुलस। क्या है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस जो ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड के अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तो वहीं वो स्टोर्स कर देती है, और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ब्लड के अंदर उसको वो फिल होने देती है। तो यहां से सप्लाई वो फ्लो कर देती है ब्लड की, छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद फिर दोबारा से एब्जॉर्प्शन होता है। इस वाले पार्ट को हम हेनले लूप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनले लूप्स। इस वाले पार्ट को हम हेनले लूप्स भी बोलते हैं। और यहां दोबारा से क्या होता है, री एब्जॉर्प्शन किसका, लाइक एमिनो एसिड हो गया हमारा, वॉटर हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ये क्या होते हैं, बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वेस्टेज तो है नहीं, तो इनका हम दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन करके फिर यहां से इसकी सप्लाई करते हैं और बॉडी के अंदर पहुंचा देते हैं। जो हमारा वेस्टेज होता है, वो हमारा जो वेस्ट होता है वो यहां से बाहर निकल जाता है, डक्ट के, डक्ट में पहुंचता है, फिर डक्ट क्या करता है, यूरेटर के अंदर पहुंचा देता है, और यूरेटर से कहां जाता है हमारा, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लेडर के अंदर यूरिन क्या होता है, बाहर आ जाता है। अब देखिए इसी चीज को मैंने थ्योरी में लिखा है, एग्जाम में आएगा, 2 मार्क्स में ये लिखना है पूरा। नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी, इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू डक्ट। ये एक ट्यूब होती है जो डक्ट से कनेक्ट होती है, स्ट्रक्चर डेट इज बोमेन कैप्सूल, और इसके अंदर एक बोमेन कैप्सूल भी होता है, बोमेन। अब हम देखते हैं बोमेन्स कैप्सूल, इट फिल्टर ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। बोमेन कैप्सूल्स मैंने डायग्राम में भी बताया था, वो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को कलेक्ट करता है। और इस प्रोसेस, इस जो ये जो जगह है, यहां मैंने क्या बताया था, रीअब्जॉर्प्शन होती है दोबारा से, जो एमिनो एसिड प्रोटीन्स और मिनरल्स एंड विटामिन्स रह जाते हैं उनका दोबारा से क्या होता है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर, क्योंकि ये वेस्टेज तो है नहीं, ये क्या है, बॉडी के लिए जरूरी है, तो इस वजह से इसका रीअब्जॉर्प्शन करके यहां से दोबारा वो बॉडी के अंदर सप्लाई कर देते हैं। देन यूरिन एंटर इनटू यूरेटर, यूरिन क्या होगा, यूरेटर के अंदर एंटर होगा थ्रो डक्ट, इस डक्ट के जरिए क्या होगा, यूरिन हमारा यूरेटर के अंदर एंटर होगा, फिर यूरिनरी ब्लेडर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लेडर के अंदर कलेक्ट होने के बाद बाई यूरेथ्रा वो बाहर आ जाएगा। आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।